नमस्कार। आज की इस पत्र वार्ता में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। आज आप सबके माध्यम से जो मीडिया में कुछ खबरें सामने आई हैं कोलगेट स्कैम को लेकर के, कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला 1,86,000 करोड़ रुपए का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल द्वारा प्रकाश में लाया गया और जिसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कर रही है और उस सीबीआई जांच पर पहले से ही बहुत सारे प्रश्न हवा में हैं, मीडिया में उठे हैं और सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में भी आए। यहाँ तक कि उस जांच को प्रभावित करने का प्रयास इस स्तर तक पहुँचा कि देश के कानून मंत्री अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और जो कोयला मंत्रालय है जो स्वयं जांच के दायरे में है उनके अधिकारियों को बुला करके सीबीआई को जो स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी थी उसे छेड़छाड़ करते हुए पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बहुत सख्त, और शायद न्यायपालिका ने इतनी सख्त टिप्पणी सीबीआई के संदर्भ में सरकार के बारे में इतिहास में कभी नहीं की होंगी। उसका परिणाम ये हुआ कि कानून मंत्री को जनता के दबाव में बहुत लंबे समय तक लोकसभा नहीं चलने देने के बावजूद भी त्यागपत्र देना पड़ा। पूरे देश में को सीबीआई की फंक्शनिंग के बारे में एक विश्वास का संकट दिखाई दे रहा और सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद और सीबीआई को किस प्रकार से स्वतंत्र किया जाए इस पर बहस देश में छिड़ी है। इस पूरी बहस के वातावरण में देश के सबसे बड़े घोटाले की जांच के संदर्भ में जब ये जानकारी आती है कि इस पूरे घोटाले के कार्यकाल में 2006 से 2009 तक जो कोयला विभाग के सेक्रेटरी थे, सचिव थे मिस्टर गुप्ता, उनको सीबीआई ने इंटरोगेट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए सरकार से परमिशन मांगी थी। सरकार ने वो परमिशन नहीं दी है, वो परमिशन डिनाई की है। तो एक प्रकार से सरकार का सीबीआई की कोलगेट स्कैम पर जांच को प्रभावित करने का ये दूसरा प्रयास है। एक तरफ सरकार चर्चा कर रही है सीबीआई की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के ऊपर, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलने वाली सीबीआई जांच को कैसे रोकने की कोशिश की जा रही है, उसके जांच के रास्ते में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस प्रकार के प्रयास की निंदा करती है और हमारा ये मानना है कि जब प्रधानमंत्री स्वयं कोयला मंत्री होते हुए इतना बड़ा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री को बतौर कैबिनेट मंत्री कोयला घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया हो, उस समय में जब देश ही अपेक्षा करता हो कि जांच में ईमानदारी हो, निष्पक्षता हो, जांच में दूध का दूध पानी का पानी जल्दी से हो जाए, सरकार की तरफ से ऐसा संकेत, कि जांच को फिर से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो आज फिर वो प्रश्न खड़ा होता है कि कानून मंत्री किसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। आज फिर से वो प्रश्न खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री को इस घोटाले की नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। और आज
एक अधिकारी को सीबीआई इंटरोगेट करे, उसकी जांच करे, उसकी इजाजत न देने के पीछे सरकार की मंशा क्या है? इस पूरे संदर्भ में जहां हमने इस पूरे सरकार के प्रयास की निंदा की है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कोयला घोटाले की जांच में अब वो समय आ गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरे भूमिका का, संदर्भ का संज्ञान ले और अपने सुप्रीम कोर्ट खुद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का, एसआईटी का गठन करे और उसको टाइम बाउंड एक फ्रेमवर्क में रोज उस जांच को मॉनिटर करते हुए इस जांच को सरंजाम तक पहुंचाए ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और अब जनता का विश्वास अर्जन करने के लिए इस देश के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले में बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है, जैसे 2G स्कैम में पूरे के लाइसेंस जितने भी थे उनको कैंसिल करने की कार्रवाई की गई थी। तो ये कोयला घोटाले के जितने कोल ब्लॉक्स हैं इनको भी या सरकार या सर्वोच्च न्यायालय इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उन कोयल ब्लॉक्स का आवंटन को भी निरस्त करे और जल्द से जल्द ये जांच पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो नेशनल एक्सचेकर को, जो सरकार के खजाने को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई की जा सके, उसको रिकवर कराया जा सके। मित्रों, कोयला घोटाले के मामले में आज ये विषय प्रकाश में आया तो हमें इसमें इतना ही कहना है। इसके अतिरिक्त एक आधिकारिक जानकारी के तहत, वैसे आप सबको मालूम है और हम सब वहाँ मिलने भी वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक 8 और 9 को गोवा में हो रही है और उसी कड़ी में, जैसा कि हमारी संवैधानिक पद्धति भी है और हमारी अपनी एक कार्य पद्धति भी है कि जब भी हम राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक करते हैं तो उससे ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टोली की भी बैठक होती है। तो 7 तारीख को गोवा में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का कार्यक्रम है, 8 को और 9 तारीख को राष्ट्रीय कार्यसमिति के पूरे देश भर से, सभी प्रदेशों से जो प्रतिनिधि हैं वो गोवा में आकर के इस राष्ट्रीय कार्यसमिति में भाग लेंगे। मुझे आप सबको इस विषय में जानकारी भी है और साधारणतया राष्ट्रीय कार्यसमिति में अनेक विषयों पर चर्चा होती है, सभी प्रमुख लोग वहाँ आकर के बैठते हैं, विभिन्न विषयों पर सत्र अनुसार योजना बनती है, चर्चा करते हैं। स्वाभाविक है कि पूर्व में भी आप सब लोगों ने देखा है कि हम राजनीतिक प्रस्ताव पर भी चर्चा करते हैं और विशेष रूप से देश की जो आर्थिक स्थिति है, जिसका कल प्रेस वार्ता के माध्यम से भी हमने आप सबके समक्ष रखा, वो एक आर्थिक प्रस्ताव भी, इस पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर इसमें चर्चा होगी। तो इन जानकारी के बाद आपका कोई विषय हो, प्रश्न हो, जितेंद्र जी, राजनीतिक प्रस्ताव में अलग अलग आयाम, अलग अलग पक्ष पर चर्चा होती है तो उसके अंदर भी आ सकता है, क्योंकि ये प्रस्ताव का जैसे प्रारूप रखा जाता है तो सभी प्रतिनिधि उसमें अपने अपने सुझाव देते हैं, तो संभव है वर्तमान स्थिति जैसी देश में है उस पर चर्चा हो सकती है। अभी तक ऐसा कोई विषय हमारे सामने नहीं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में और सार्वजनिक जीवन में हमेशा
शुचिता और पारदर्शिता की पक्षधर रही है और हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हो या इनकम टैक्स की गाइडलाइंस हो, हम बाकायदा उनका पालन करते रहे हैं। हमने हमेशा अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराया है और उन अकाउंट्स को, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, हमने समय समय पर नियमानुसार उनको जमा कराने का काम किया है। पहले से ही पारदर्शिता के ऊंचे मानदंड हमने अपने दल में रखे हैं, तो ऐसा कोई भी निर्णय, चाहे CIC का हो चाहे इलेक्शन कमीशन का हो, हमें उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा कि हम शुचिता और पारदर्शिता के कोई भी मानदंड हैं, हम उसमें खरा उतरते हैं हमेशा, और हम हमेशा उसका पालन करते हैं, और जो भी कोई नियम होगा, कानून होगा, वो सभी दलों पर बराबर लागू होगा, और जब जो भी लागू होगा हम उसका पालन करेंगे। मिस्टर सिद्धार्थ, हम प्रत्येक कानून का पालन करेंगे। We are not against anything. We are not opposed to anything which brings in transparency and accountability in the political system. It has to be applied equally to all. Mr. Siddharth, can we take the questions as per our media coordinator advises us? No. As far as the transparency and accountability is concerned, Bharatiya Janata Party is always open to any law which is equally applicable to all of us. We're always there for transparency. We always abide by every possible norm and rule and law with respect to the transparency. Yeah, madam. No, we just said we abide by the law of the land. It's not a question of political party's position. I can only speak for Bharatiya Janata Party here. जैसे कानून की स्पष्टता आएगी उसका आपको विश्वास दिलाते हैं, हम कानून का पालन करेंगे। I'm sorry, I'm not aware of all the details pertaining to this, but as far as, I mean, we can get the details for you. I'm sorry, I'm not aware about this. I know the delegation is gone, but I'm not aware of the details of it. Akhileshji. Akhileshji. I'm sorry. आप RTI के तहत पूछ रहे हैं कि वैसे पूछ रहे हैं? आपको तो RTI से ज़्यादा अख्तियार पहले से ही है। यह बहुत सारी कपाल कल्पित खबरें मीडिया में हम भी सुन रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन आपने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को कवर किया है। हम अपनी एक पद्धति के अनुसार काम करते हैं,
कार्य समिति की बैठक होगी, बैठक में बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी, आप भी वहाँ होंगे, बैठक में हुए सभी निर्णयों से विधिवत आपको अवगत कराया जाएगा। बहुत पहले करनी चाहिए थी, मामा भांजा का खेल रेल मंत्रालय में चल रहा था लंबे समय से, और हमें अभी भी देखना है कि सीबीआई कितनी ईमानदारी से इसमें जांच करती है, और जांच आगे बढ़ती है तो उस पर समय समय पर अपनी प्रतिक्रिया आपको ज़रूर देंगे। सी, लेजिस्लेशन इज द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट ऑफ द पार्लियामेंट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ऑर्डिनेंस कैन ओनली बी ब्रॉट इन द सिचुएशंस ऑफ अर्जेंसीज, एक्सीजेंसीज एंड इमरजेंसीज, एंड वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन इशू ऑफ वेरी वाइटल इम्पॉर्टेंस, फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स अस एज मच और इवन मोर देन व्हाट कांग्रेस पार्टी प्रिटेंड्स दैट इट अफेक्ट्स देम और दे वॉन्ट इट एज मच। At the same time, our leader, Shrimati Sushma Swaraj, has already made it public that monsoon session is not far away. It can be preponed if Congress, if the government is serious in bringing this legislation, bringing this food security bill in parliament. And we will constructively make all the suggestions possible with our experience in Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Bihar with the food security issue. We have also passed the Food Security Act in Chhattisgarh, which is what we claim is still better than the bill which has been proposed by the Congress Party so far. Sujit, Mr. Sujit Thakur, Venkatji will come to you. I can assure you with utmost sincerity that Tamil Nadu is very important state like any other state for us, and there is absolutely nothing of this sort which you suspect in our mind, and we are equally concerned about the issue of Sri Lankan Tamils, and that's the reason, that's the our very visit speaks of the seriousness with which we deal with these issues. You rest assured, I apologize for my and not being aware of the entire issue the current issue, but we be rest assured of our intentions that we are committed to the cause of Tamils and Sri Lankan Tamils, and Tamil Nadu is a very important state for us. Mr. Sujit Thakur. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी ने उन्हीं बातों को कहा है जो पहले भी कहते आए हैं, और देश के आप सबके द्वारा कराए गए अनेक ओपिनियन पोल्स ने उन बातों को पुष्ट किया है। शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्रियों में अपनी बात बड़े बड़प्पन से उन्होंने रखी है, एक प्रकार से क्रम उन्होंने सुझाया है, लेकिन ये सारी बातें जब सही समय होगा, उचित समय पर हमारा उचित फोरम बैठ करके उचित पद्धति से उचित रणनीति के तहत उचित निर्णय करेगा और विधिवत आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।